Hi friends, I'm Madhu. So friends, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर की बुक द हॉर्नबिल्स का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिस्कस करेंगे. सो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में दो बुक्स हैं, द हॉर्नबिल्स एंड स्नैपशॉट. तो द हॉर्नबिल बुक का ये चैप्टर नंबर 1 है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह. तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह हम इसे पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है. एंड फ्रेंड्स, हम इंग्लिश लिटरेचर के हर एक चैप्टर को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे. एंड इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी. सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो फ्रेंड्स, चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में होता क्या है, किस पर बेस्ड है ये स्टोरी. सो इस चैप्टर के ऑथर हैं खुशवंत सिंह, और खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, उनकी ग्रैंड मदर के पर्सनैलिटी को इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर जब से वो छोटे थे उनके साथ रही, उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, एंड उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी, उन्हें स्कूल के लिए छोड़ के आती थी, उनके लेसन्स के साथ उनको हेल्प करती थी. तो उन्होंने अपने पूरे ग्रैंड मदर के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, जो उनके बीच में जो प्यार था, जो दोस्ती थी, उसको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है. साथ ही साथ उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की पर्सनैलिटी के बारे में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, एंड वो बहुत ही काइंड थी. वो स्पैरोज को फीड करती थी, डॉग्स को चपातीज देती थी, तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा काइंड थी. एंड कैसे लास्ट में उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, एंड बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है वो. एंड जो बर्ड्स होती हैं, जो स्पैरोज होती हैं, जिनको उनकी ग्रैंड मदर फीड करती थी, वो स्पैरोज भी बहुत ही दुखी हो जाती हैं. एंड जब उनकी मदर उन स्पैरोज को फीड करती हैं, तो वो स्पैरोज उनको उन ब्रेड के टुकड़ों को खाती ही नहीं है, बिकॉज ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है. बिकॉज उन स्पैरोज का भी ग्रैंड मदर के साथ ही बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा कनेक्शन होता है. सो इस चैप्टर में उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पूरे ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप को उन्होंने पोर्ट्रे किया है. वो बताते हैं कि कैसे चाइल्डहुड में उनके साथ उनकी दोस्ती हो, चाइल्डहुड में कैसे उनकी ग्रैंड मदर एंड वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनकी ग्रैंड मदर उनका ध्यान रखती हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स सिटी में रहते हैं. एंड जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तो वो सिटी में चले जाते हैं एंड वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है. ग्रैंड मदर और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है. वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, तो वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, वेस्टर्न साइंस पढ़ते हैं, तो उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं, काफ़ी दुखी हो जाती हैं, बिकॉज उनके इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते हैं. बिकॉज उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी रिलीजियस होती हैं, वो हर टाइम प्रेयर करती रहती हैं, एंड उनके हाथ में एक मोतियों की माला होती है. एंड देन वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनको अलग से उनका रूम मिल जाता है, तो और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है. एंड देन वो अब्रोड चले जाते हैं, तो फिर उन्हें बहुत दुख होता है कि वो उनकी ग्रैंड मदर से इतना दूर जा रहे हैं. और 5 साल वो जब दोबारा वापस आते हैं, तो उनकी ग्रैंड मदर वैसी ही होती हैं, बिल्कुल भी वो चेंज नहीं होती हैं, और इवन वो उनका वेलकम करती हैं ड्रम बजा के एंड सेलिब्रेशन करके, सॉन्ग गा के वो उनका वेलकम भी करती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना उनका वेलकम करती हैं, वो बीमार हो जाती हैं, अगले दिन फीवर हो जाता है उन्हें, और फिर उन्हें लगता है कि उनकी डेथ होने वाली है. सो वो प्रेयर करने लगती हैं बेड पर लेट के, वो पीसफुली प्रेयर गाने लगती हैं, एंड फिर उनकी डेथ हो जाती है. सो ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, उनकी डेथ हो जाती है. देन उनका फ्यूनरल की तैयारी करते हैं एंड उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं. और जो स्पैरोज होती हैं, जिनको उनकी ग्रैंड मदर फीड करा करती थी, वो स्पैरोज भी बहुत दुखी होती हैं. वो भी उनके रूम में चारों तरफ ऐसे बैठी हुई होती हैं, जैसे ही जो ग्रैंड मदर है उनका अंतिम संस्कार होता है. तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. इसको हम रीड करेंगे लाइन बाय लाइन. सो let's read the story line by line. So my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो वो अपनी दादी के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, वो भी औरों की ग्रैंड मदर की ही तरह हैं. She was a old woman. Old woman मतलब वो एक बूढ़ी औरत थी.
शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. तो वो बताते हैं कि मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे. रिंकल्स क्या होते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी चेहरे पर लाइन्स आ जाती हैं, उनको रिंकल्स बोला जाता है. तो वो बताते हैं कि मेरी दादी के दादी बहुत ओल्ड थी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. मतलब जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी के साथ 20 ईयर्स रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने टाइम पीरियड भी बता दिया. People said that she had been once young and she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब वो बताते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने उनसे कहा है कि पहले जो दादी थी मेरी, पहले जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ही सुंदर और यंग थी एंड उनका एक हस्बैंड भी था. लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड था बिलीव करना, मतलब इसको विश्वास करना, इस फैक्ट को विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि वो बहुत सुंदर भी थी और वो बहुत यंग भी थी. क्योंकि खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा ओल्ड ही देखा है, चेहरे पर रिंकल्स हुए हुए देखे हैं. तो उनको ये कभी विश्वास ही नहीं होता था, उन्हें ये बिलीव ही नहीं होता था कि मेरी दादी कभी यंग भी होंगी या प्रिटी भी होंगी. तो उनको ये विश्वास नहीं होता था. देन माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. और उनकी उनके ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, वो मेंटल पीस के ऊपर रखी रहती थी लिविंग रूम में. मेंटल पीस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो फायर प्लेस होती है, कुछ घरों में फायर प्लेस होती है, तो उसके आसपास जो एरिया होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो वुड या फिर मार्बल से बना होता है, उसको मेंटल पीस बोलते हैं. तो उसके ऊपर उनके ग्रैंडफादर की वो पोर्ट्रेट रखी थी. ठीक है, देन ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उनके जो ग्रैंड फादर थे उनकी बहुत ही बड़ी एक बड़ी टर्बन पहनते थे एंड ढीले कपड़े पहनते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे. देन हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और उनके ग्रैंड फादर की एक बहुत ही लंबी वाइट बियर्ड थी, मूछ थी एंड दाढ़ी थी. एंड वो जो उनकी दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट का बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करती थी. एंड वो उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो 100 ईयर्स ओल्ड लगते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे. देन ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. अब खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड फादर के बारे में बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि उनकी कोई वाइफ होगी या उनके बच्चे होंगे, बल्कि मेरे ग्रैंड फादर को देख के ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, इतने ज़्यादा बूढ़े थे वो. देन As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और उनकी grandmother का ये fact कि वो पहले young थी, pretty थी, ये revolting था. It was revolting. ये जो thought था ये revolting था. Revolting का मतलब it was hard to believe. Author के लिए believe करना मुश्किल था कि उनकी grandmother कभी young और pretty भी थी. ठीक है, then she often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो खुशवंत सिंह को बताती थी कि वो बचपन में कौन से गेम्स खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ वो इन्जॉय करती थी. लेकिन उनको ये बिल्कुल भी इलॉजिकल लगता था. उनको ये लगता था कि मेरी ग्रैंड मदर गेम्स कैसे खेलती होंगी, वो तो हमेशा इतनी बूढ़ी रही हैं, वो कभी यंग रही ही नहीं होंगी, इसलिए वो गेम्स कैसे खेलती होंगी. तो उनको ये बहुत ही इलॉजिकल लगता था. एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल लगता था. ठीक है, और वो उनकी दादी जब उनको ये बताती थी कि मैं ये गेम्स खेलती थी, तो वो उसको कैसे ट्रीट करते थे, जैसे कि फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज़ टू टेल अस. तो उनकी दादी उनको भगवानों की स्टोरीज बताती होंगी, कहानियाँ बताती होंगी, तो उस चीज़ को भी वो वैसे ही ट्रीट करते थे जो वो गेम्स बताती थी कि मैं बचपन में ये गेम्स खेलती थी. तो उनको भी वो एक स्टोरी की तरह ही, फैबल्स की तरह ही ट्रीट करते थे. ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट बिलीविंग, वो बिलीव ही नहीं करते थे कि मेरी दादी कभी यंग रही होंगी, वो गेम्स खेलती होंगी, वो सुंदर होंगी. तो उनके लिए बिलीव करना मुश्किल था. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया. लेट्स मूव ऑन. देन शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. अब उन्होंने अपनी यहाँ पर दादी का डिस्क्रिप्शन दिया, अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन दिया. उन्होंने बोला है कि उनकी जो दादी थी वो शॉर्ट थी, उनकी हाइट छोटी थी, एंड वो थोड़ी सी फैट थी, एंड वो झुकी हुई थी, स्लाइटली बेंट थी. जैसे आपने देखा होगा कि जब एज बढ़ती है तो हमारी कमर झुक जाती है, सो इस वजह से वो थोड़ी सी झुकी हुई थी. शी वॉज स्लाइटली बेंट, हर फेस वॉज, और उनके पूरे फेस पर रिंकल्स थे. यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेस पर रिंकल्स हैं, तो वो बहुत ही बूढ़ी थी.
देन रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब उनके पूरे चेहरे पर रिंकल्स ही रिंकल्स थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. तो अब वो बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल श्योर थे, हम तो बिल्कुल सर्टेन थे कि हमारी दादी तो हमेशा ओल्ड ही रही होंगी, हमेशा बूढ़ी ही रही होंगी फॉर द 20 ईयर्स दैट वी हैड नोन हर. 20 ईयर्स के लिए वो अपनी दादी के साथ रहे, तो उन्होंने कहा कि 20 ईयर्स के लिए वो हमेशा ओल्ड ही रही हैं. इतनी ज़्यादा ओल्ड हैं वो कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी और हो ही नहीं सकती, मतलब मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये बताते हैं वो. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो बोलते हैं कि मेरी दादी प्रिटी नहीं थी, मतलब चेहरे से सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ब्यूटिफुल थी. ब्यूटीफुल का मतलब होता है जब आप अंदर से बाहर से आप खुद अच्छे इंसान होते हो, उसको बोला जाता है ब्यूटीफुल. तो वो कहते हैं कि मेरी दादी चेहरे से तो प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उनका सोल अच्छा था. ठीक है, सो ये उन्होंने यहाँ पर बताया है एंड ये उनकी दादी की पोर्ट्रेट है. लेट्स मूव ऑन. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो वो हॉबल करती थी. हॉबल करने का क्या मतलब होता है? अनस्टेडी वे में चलना, क्योंकि उनकी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इसलिए वो स्टेडीली आराम से नहीं चल पाती थी, उनको चलने में डिफिकल्टी होती थी, तो इसी को बोला जाता है हॉबल. वो हॉबल करके चलती थी. देन इन स्पॉटलेस वाइट, वो स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहनती थी, मतलब पूरे सफ़ेद एकदम प्योर वाइट कपड़े पहनती थी, उस पर कोई भी स्पॉट नहीं होता था, स्पॉटलेस वाइट. ठीक है, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन आर वेस्ट, मतलब एक हाथ उनका उनकी कमर पर रहता था एंड दूसरा हाथ वो उनके हाथ में वो माला रहती थी, बीड्स ऑफ रोजरी रहती. जैसे आपने देखा होगा कि जो जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं या फिर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जैसे दादा या दादी, उनके हाथ में हमेशा एक माला रहती है एंड वो बीड्स होते हैं उसमें, और जब भी वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो एक बीड को ऐसे आगे करते रहते हैं. तो वो दिस इज़ नोन एज रोजरी. तो एक हाथ उनका वेस्ट पर रहता था और एक हाथ में उनकी वो बीड्स ऑफ रोजरी रहती थी, वो माला रहती थी, और वो मंत्र जाप करती रहती थी, मतलब अपनी प्रेयर गाती थी. देन हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. तो अब बताया कि उनकी जो उनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, वो अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. तो उनकी दादी के जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, बिकॉज उनकी दादी बूढ़ी थी, तो ऑब्वियसली उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, सिल्वर हो गए थे. और उनके जो सिल्वर बाल थे, यहाँ पर लॉक्स का मतलब बाल है, ठीक है, सो उनके जो सिल्वर बाल थे वो बिखरे हुए रहते थे, स्कैटर्ड अनटाइडली, मतलब वो बिखरे हुए रहते थे, वो कोम नहीं थे. ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस, उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था, वो पेल था. पेल मतलब जो लाइट होता है कलर में थोड़ा सा, तो उनकी स्किन लाइट थी, उनके जो चेहरा था वो काफ़ी पेल था. प्यूकर्ड फेस मतलब जिसका चेहरा रिंकल से भरा होता है, सो दैट इज़ नोन एज प्यूकर्ड फेस. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनकी जो लिप्स थी, उनकी दादी की जो लिप्स थे, वो हमेशा चलते रहते थे, बिकॉज वो प्रेयर करती रहती थी, वो प्रेयर गाती रहती थी. इनऑडिबल मतलब सबको सुनाई नहीं देती थी, इतनी क्लियरली सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि वो इनऑडिबल थी. येस शी वॉज ब्यूटिफुल, येस उनकी जो दादी थी वो ब्यूटिफुल थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी जो माउंटेन्स में होती हैं, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत. देन एन एक्सपैंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, उनकी जो दादी थी वो बहुत ही शांत रहती थी, काम रहती थी एंड कंटेनमेंट से भरी हुई थी. कंटेनमेंट मतलब जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से, हमें और किसी चीज़ की चाह नहीं होती, और किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं होती, सो इसको कंटेनमेंट बोला जाता है. तो उनकी दादी बहुत ही शांत रहती थी, काम रहती थी एंड कंटेनमेंट से भरी हुई रहती थी, मतलब शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ. ओके, तो ये उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया है. देन माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब वो अपने और अपनी दादी के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं कि मैं और मेरी जो दादी थी वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. तो जो खुशवंत सिंह हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑथर कौन है स्टोरी के, खुशवंत सिंह हैं. तो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने उन्हें उनकी दादी के साथ ही छोड़ दिया था, बिकॉज उनके पेरेंट्स सिटी में चले गए थे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, इसलिए वो अपनी दादी के साथ ही रहते थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी इन होप दैट आई वुड लिसन.
तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो उनकी दादी थी वो उनको हमेशा मॉर्निंग में सुबह उठाती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, और वो हमेशा अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाती थी उनके आगे, उन मॉर्निंग प्रेयर गाती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मतलब मोनोटोन मतलब एक ही पिच में, ऐसे जब हम सेंटेंस को एक ही पिच में बोलते जाते हैं उसको मोनोटोन बोला जाता है. सो वो अपनी प्रेयर को गाती थी एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में वाइल शी बेद एंड ड्रेस मी. उनको वो नहलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी. एंड इन होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. तो वो हमेशा उनके आगे उनकी प्रेयर गाती रहती थी लेकिन कभी और ये वो उनकी दादी ये होप करती थी कि उनको वो प्रेयर याद हो जाएगी, लेकिन जो ऑथर है वो कभी भी प्रेयर को याद करने के लिए उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया. वो उनकी प्रेयर को इसलिए सुनते थे, अपनी दादी की प्रेयर को इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, उनकी आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनकी प्रेयर को याद करने की कोशिश नहीं की. ठीक है, सो नेवर बॉदर टू लर्न इट. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येल्लो चॉक. तो फिर वो उनकी वुडन स्लेट को साफ करती थी एंड उस वुडन स्लेट को वो देती थी जो वॉश्ड होती थी और प्लास्टर्ड होती थी येल्लो चॉक से. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन. और एक टाइनी अर्दन, जो अर्दन मतलब जो मिट्टी से बना होता है, इंक पॉट होता था, एंड अ रेड पेन. Tie them all in a bundle and hand it to me. और इस सबको वो एक बंडल में टाई करके बांध के उनको दे देती थी. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और फिर वो ब्रेकफास्ट करते थे, ब्रेकफास्ट में वो चपाती खाते थे जिसके ऊपर बटर और शुगर लगा होता था, और फिर वो स्कूल चले जाते थे अपनी दादी के साथ. और उनकी जो दादी थी वो सेवरल स्टेल चपातीज मतलब जो बासी रोटी होती हैं वो कुत्तों के लिए भी, डॉग्स के लिए भी लेकर जाती थी. विलेज के जो डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको हम खिलाते हैं ना रोटी जो बच जाती हैं, तो ऐसे ही उनकी जो दादी होती थी वो भी स्टेल चपातीज लेके जाती थी विलेज के डॉग्स के लिए. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. लेट्स मूव ऑन. देन My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. तो उनकी ग्रैंड मदर भी हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी बिकॉज जो उनका स्कूल था वो टेम्पल के साथ, मंदिर के साथ अटैच था. इस वजह से उनकी दादी भी हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस. माय ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. तो अब वहाँ के जो प्रीस्ट होते थे वो उनको अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे बच्चों को, और जो चिल्ड्रन होते थे, जो बच्चे होते थे, वो रोज़ में बैठ जाते थे वरांडा की साइड में. एंड उनकी दादी भी अंदर बैठती थी, लेकिन वो स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी. स्क्रिप्चर्स मतलब जैसे आपने देखा होगा हर एक रिलीजन की सैक्रेड राइटिंग्स होती हैं जिसको हिंदी में हम शास्त्र बोलते हैं. सो वो स्क्रिप्चर्स होते हैं, तो उनकी दादी स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी वाइल जो ऑथर हैं, जो खुशवंत सिंह हैं, वो अंदर अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सीखते थे और उनको गाते थे. ओके, देन व्हेन वी बोथ हैड फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. और जब दोनों ऑथर ऑल्सो एंड द ग्रैंड मदर ऑल्सो, जब दोनों का काम हो जाता था देन दोबारा वो घर चले जाते थे एक साथ. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और फिर जब बाहर जाते थे वो, तो temple के door पर वो street dogs उन्हें मिलते थे and वो उनके पीछे पीछे घर तक जाते थे एक दूसरे से fight करते हुए for the chapatis. Because हमें पता है कि उनकी दादी उनको chapatis देती थी, तो उन chapatis को खाने के लिए वो लड़ते थे street dogs और उनके पीछे पीछे घर तक चले जाते थे. यहाँ पर आप picture में भी देख सकते हो. ओके, सो दिस वॉज द सीन. आई होप यहाँ तक समझ आ गया. देन वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. और जब उनके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स सिटी में कम्फर्टेबली सेटल हो गए, मतलब उन्हें अच्छी जॉब मिल गई एंड दे वर सेटल्ड, दे वर कम्फर्टेबल, तो फिर उन्होंने उनकी दादी को और ऑथर को शहर में बुला लिया. दे सेंट फॉर अस मतलब उन्होंने सिटी में उनको बुला लिया, उनकी दादी को एंड ऑथर को. That was a turning point in our friendship. और जब वो सिटी में आए उनकी दादी एंड वो, तो अब उनकी फ्रेंडशिप में ये एक टर्निंग पॉइंट था. टर्निंग पॉइंट कैसे था? Although we shared the same room, my grandmother
नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. लेकिन जब वो सिटी में आए तो सिटी में उन दोनों का सेम रूम था, उनकी दादी का और उनका, दोनों का सेम ही रूम था. लेकिन अब वो कभी भी उनके साथ दोबारा स्कूल उन्हें छोड़ने नहीं गई, क्योंकि वो अब स्कूल बस से जाने लग गए थे. आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. तो अब वो जो ऑथर हैं, जो खुशवंत सिंह हैं, वो एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और उनको स्कूल बस लेने के लिए आती थी और छोड़ के जाती थी. इस वजह से उनकी दादी कभी भी उनके साथ अब स्कूल छोड़ने या उनको लेने नहीं आती थी. देन देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस. और कोई स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं होते थे वहाँ पर जिनको वो चपातीस दे सके. लेकिन उनकी जो दादी होती थी वो स्पैरोज को फीड करती थी. जैसे आपने देखा होगा जो स्पैरोज होती हैं उनको वो फीड करने लगी उनके कोर्टयार्ड में. जैसे घर का आगे जो वरांडा होता है वहाँ पर वो उनको स्पैरोज को फीड करने लगी उनकी दादी. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ आया. तो अब जब वो सिटी में आए तो अब उनकी फ्रेंडशिप जो थी उनकी दादी एंड उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया. ओके, सो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट. देन एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. और जैसे जैसे साल गुजरते गए तो उनका और उनकी दादी के बीच में, उनकी ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशनशिप था वो खत्म होता गया, डिस्टेंस बढ़ता गया उनके बीच में. तो वो एक दूसरे को बहुत ही कम देखने लगे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. लेकिन कुछ टाइम वो उनको उठा देती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार कर देती थी. वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वट द टीचर हैड टॉट मी. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड little things of western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो फिर जब वो स्कूल से वापस आते थे तो उनकी दादी उनसे पूछती थी कि आज तुमने क्या क्या सीखा स्कूल में, क्या पढ़ा. तो वो बताते थे कि वो उनको बताते कि मैंने इंग्लिश वर्ड सीखे. बिकॉज ऑब्वियसली वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे तो वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्ड सीखेंगे. वो बताते थे वेस्टर्न साइंस के बारे में कि मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा, अर्थ राउंड है इसके बारे में सीखा. लेकिन एसेट्रा इन चीज़ों के बारे में वो अपनी दादी को बताते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी. लेकिन उनको उनकी दादी को ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. वो दुखी हो जाती थी कि ये स्कूल में क्या पढ़ रहा है. देन शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. तो वो अब जैसा कि वो इंग्लिश में वो पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम उनका स्कूल था तो उनकी जो दादी थी वो उनके लेसन्स में भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी. एंड वो बिल्कुल इन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी जो उनके स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता था. और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, बहुत अनहैप्पी हो जाती थी कि उनके स्कूल में गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, सिर्फ वेस्टर्न और इंग्लिश चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. बिकॉज वो बहुत रिलीजियस थी इसलिए वो चाहती थी कि इनके स्कूल में गॉड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए. लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा नहीं होता था. इस वजह से वो बहुत डिस्ट्रेस्ड और अनहैप्पी हो जाती थी. देन वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. तो एक दिन उन्होंने अपनी दादी को बताया कि हमारे स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं. और ये सुन के वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई. उनके लिए उनको ऐसा लगता था कि म्यूज़िक के ल्यूड एसोसिएशंस हैं, मतलब म्यूज़िक कोई अच्छी चीज़ नहीं है. इट इज़ वेरी अनसिविल, जैसे हम बोलते हैं ना एक सिविल अच्छी चीज़ जिस शिष्ट जैसे इसको हम हिंदी में बोलते हैं, और अशिष्ट मतलब ल्यूड. तो वो म्यूज़िक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी. इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फॉक. उनके लिए जो म्यूज़िक है ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, बेगर्स के लिए होता है. जेंटल फॉक मतलब जो अच्छा सिविल इंसान होता है उसके लिए म्यूज़िक अच्छा नहीं होता, म्यूजिक उनके लिए नहीं होता. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनका जो ये साइलेंस है ये डिसअप्रूवल है. मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं तो अगर हम साइलेंट भी रहें तो आगे वाले को समझ आ जाता है कि ये डिसअप्रूव कर रहा है, ही और शी इज नॉट एग्रीड. तो उनका साइलेंस ही उनका डिसअप्रूवल था कि वो उस चीज को अप्रूव नहीं करती थी, उससे एग्री नहीं थी. देन शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद वो उनसे बहुत ही कम बात करने लगी उनकी दादी, बहुत ही रेयरली बात करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन. और जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे तो यूनिवर्सिटी गए, और जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनको उनका खुद का पर्सनल रूम मिल गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और अब जो उनकी फ्रेंडशिप का जो लिंक था, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी दादी के साथ एक ही रूम में रहते थे लेकिन अब उनको उनका खुद का रूम मिल गया, तो अब जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया था. स्नैप मतलब
खत्म हो गया था, टूट गया था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. तो उनकी ग्रैंड मदर ने ये एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन. सिक्लूजन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बींग अलोन. तो उन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, ये बिलीव कर लिया कि अब वो अकेली ही हैं, बिकॉज उनके जो ग्रैंडसन थे, जो ऑथर हैं, वो भी उनसे कम बात करने लगे, अब वो अलग रूम में रहने लगे. तो उन्होंने अपना ये सिक्लूजन का जो स्टेट है ये एक्सेप्ट कर लिया था. और वो अपने स्पिनिंग व्हील को बहुत कम छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, मतलब हमेशा वो स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी और लोगों से कम बात करती थी. ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है. देन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. और सनराइज से सनसेट तक वो अपनी स्पिनिंग व्हील में बैठती थी और स्पिन करती रहती थी एंड प्रेयर्स गाती थी. देन ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. और आफ्टरनून में ही वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी जब वो स्पैरोज को, बर्ड्स को फीड करती थी. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स. और जब वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स और स्पैरोज उनके आसपास आ जाती थी और एक वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग क्रिएट हो जाता था. वेरिटेबल बेडलैम मतलब केओस, कन्फ्यूजन, नॉइस क्रिएट हो जाता था बर्ड्स की वजह से, बिकॉज बर्ड्स चर्प करती हैं, चर्पिंग उनकी आवाज़ होती है, तो इस वजह से काफ़ी नॉइज और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था. देन सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड. और कुछ स्पैरोज आती थी, कुछ बर्ड्स आती थी जो उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पर रेस्ट करती थी, और कुछ बर्ड्स इवन उनके सर पर आकर भी बैठ जाती थी. देन शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और वो उन स्पैरोज की तरफ स्माइल करती थी, उन बर्ड्स की तरफ स्माइल करती थी और कभी भी उन्हें शू नहीं करती थी, मतलब अपने से दूर भगाती नहीं थी. एंड ये जो उनका टाइम होता था स्पैरोज को फीड करना, ये उनके दिन का पूरा हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था. हाफ आवर के लिए वो ये सब करती थी और ये उनके पूरे दिन का हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था जब वो स्पैरोज के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी, उनको फीड करती थी. यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये ग्रैंडमा है एंड ये सारी स्पैरोज हैं उनके आसपास एंड ये इनको फीड कर रही हैं. ओके, सो या आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है. देन When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और फिर जो author हैं वो और बड़े हुए, उन्हें और आगे further studies करनी थी, तो further studies के लिए वो abroad जाना चाहते थे. लेकिन उन्हें पता था कि उनकी grandmother बहुत upset हो जाएंगी, because उन्हें abroad जाना पड़ेगा इतने time के लिए, तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो इस वजह से उनकी grandmother upset हो जाएंगी. I would be away for 5 years and at her age only could never tell. And at her age one could never tell. और वो 5 years के लिए दूर रहेंगे, मतलब अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ पर वो स्टडीज़ करेंगे, इसलिए वो 5 years के लिए उनसे दूर रहेंगे, इसीलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर जा रहे हैं. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल, मतलब उन्होंने ऐसा कोई इमोशन, सैडनेस का शो ही नहीं किया. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो इवन उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई लेकिन उनसे कोई बात नहीं करी और कोई ऐसा सैडनेस का उन्होंने इमोशन शो नहीं किया उनको. देन हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. तो और उन जो हमेशा लिप्स हमेशा वो प्रेयर गाती रहती थी, इनऑडिबल वो प्रेयर गाती रहती थी एंड उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में लॉस्ट रहता था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ हर रोजरी. और उनके फिंगर्स में हमेशा वो माला रहती थी जिसमें वो ब्रेड्स को ऐसे मूव करती रहती थी. साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और फिर जब वो जाने लगे तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड पर किस किया एंड ये उन्होंने इस टच को, इस मॉइस्ट इम्प्रिंट को बहुत चेरिश किया, मतलब अपने से डियर होल्ड किया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि ये उनके बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा. बिकॉज उनकी दादी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी तो उन्हें लग रहा था कि जब तक वो आएंगे तो हो सकता है कि उनकी दादी एक्सपायर हो जाएं, तो इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इनका उनके बीच में ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है. देन But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. 5 years के बाद भी वो उनसे मिले एंड वो वैसे ही थी. So 5 years के बाद वो उनसे मिले और स्टेशन पर
से मिले. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक दिन भी और बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो वैसी की वैसी ही थी जैसा उन्होंने पिछली बार देखा था उन्हें. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. लेकिन फिर भी जब वो अब्रॉड से वापस आए तो उन्होंने ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं बोले, एंड शी उन्होंने उनको टाइटली हग किया, क्लैप्स इन हर आर्म्स मतलब बहुत टाइटली होल्ड किया. एंड फिर जब उन्होंने उनको हग किया तो वो उनकी प्रेयर्स को सुन सकते थे, वो तब भी प्रेयर्स ही गा रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स. और जब वो आए उस दिन भी उनकी दादी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब वो स्पैरोज को फीड करती थी. तो उनके पूरे दिन का हैप्पीएस्ट मोमेंट यही था कि जब वो स्पैरोज को फीड करती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स. फ्रिवोलस रिब्यूक्स का मतलब होता है जब हम लाइट हार्टेडली किसी को स्कोल्ड करते हैं, दैट इज नोन एज फ्रिवोलस रिब्यूक्स. ठीक है, सो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ, देन लेट्स मूव ऑन. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे. और जब इवनिंग हुई तो उनके अंदर एक चेंज आया, उन्होंने प्रे ही नहीं किया. अभी तक हम चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि वो हमेशा प्रेयर गाती रहती है, हमेशा उनके हाथ में वो बीड्स की माला रहती है, लेकिन आज इवनिंग में उन्होंने प्रे ही नहीं किया. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने क्या किया, नेबरहुड की सारी वुमेन को कलेक्ट किया, सारी वो एक साथ आई और उन्होंने एक ड्रम लिया और सिंग करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और घंटों तक वो उस ड्रम को बीटती रही और उन्होंने क्या गाया, homecoming of warriors गाया. और उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने grandson के welcome के लिए, क्योंकि वो इतने सालों बाद abroad से दोबारा उनके घर में आए हैं, तो उन्होंने as a welcome उनके लिए ऐसा किया, ऐसी सेलिब्रेशन करी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. और जो जितने भी घर वाले थे उनको परसुएड करते रहे, उनको मनाते रहे कि आप रुक जाओ, आप थक जाओगी, ठीक है, यू विल गेट टायर्ड, यू विल गेट सिक, इसलिए उनको हम परसुएड करते रहे. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और वो पहला ऐसा टाइम था जब ऑथर ने ये देखा कि उनकी ग्रैंड मदर ने प्रे ही नहीं किया है. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट हर दैट हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे. ठीक है, देन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और ऑब्वियसली अब उन्होंने इतना ड्रम बजाया, उन्होंने इतने घंटों तक गाया, तो ऑब्वियसली वो बहुत थक गई होंगी, ओवर स्ट्रेन हो गई होंगी, इस वजह से वो अगले दिन बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. एक माइल्ड उनको हल्का सा फीवर हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इस चीज़ को अलग तरीके से ही प्रिसीव किया, अलग तरीके से हमें बताया. उन्होंने बोला कि मेरा एंड नियर है, मतलब मैं एक्सपायर होने वाली हूँ, मेरी डेथ होने वाली है, उन्होंने ऐसे बताया. शी सेड दैट शी ओनली सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ऑमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास बहुत ही कम घंटे बचे हैं, मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है, वो ऐसे बोलने लगी. और उन्होंने कहा कि अब जो मेरे पास ये कुछ घंटे बचे हैं इनमें मैं प्रे करूँगी और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुमसे बातचीत करके. ठीक है, सो उन्होंने ये कहा. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. तो हमने बहुत प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसे मत करो, आपकी डेथ नहीं होगी. हमने उन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी. उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया और वो पीसफुली बेड पर लेट गई और प्रेयर्स गाती रही और जो उनकी माला है उसको वो उस जो बीट्स हैं उनको एस मूव करती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और जब उससे पहले हम suspect कर पाते उनकी prayers रुक गई, जो lips वो जो prayers वो गा रही थी तो उनकी prayers रुक गई and जो उनके हाथ में जो माला थी उसको rosary बोलते वो उनके हाथों से गिर गई. It means उनकी death हो गई, she expired. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और वो peacefully उनके peaceful expression था उनके face पर और सारी family members को पता चल गया था कि उनकी death हो गई है, she has expired. तो ये बहुत ही heart breaking moment था author के लिए और पूरी family के लिए, क्योंकि उनकी grandmother की death हो गई थी.
Then we lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. फिर उन्होंने उन सबको grandmother को bed से उठाया और उन्हें लिटा दिया ground पर और उसको उनको एक red कपड़े से cover कर दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. और फिर कुछ time उन्होंने mourn किया, मतलब विलाप किया उनकी death का, and then वो funerals की तैयारी में लग गई, उनकी funeral है उसकी arrangements करने लग गए. Then in the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to cremated. और फिर evening में उन्हें गए लेने के लिए, उनकी dead body को लेने के लिए और cremate करने के लिए, मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. और जब हम वापस आए तो sun ने पूरे veranda को lit कर दिया था, because sunset हो रहा था and पूरा veranda में golden light थी, क्योंकि हमें पता है कि sunset के time reddish हो जाता है पूरे sky का color, sun का color, तो reddish light थी, golden light थी पूरे veranda में. एंड वो कोर्ट यार्ड में हाफ वे रुक गए, मतलब कोर्ट यार्ड के आधे रास्ते में वो सब रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. और उन्होंने देखा कि पूरे वरांडा में, उनके रूम में, उनकी ग्रैंड मदर के रूम में जहाँ पर वो लेटती थी, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो बैठी हुई थी. सो ऑब्वियसली जो स्पैरोज थी उनका बहुत ही डीप कनेक्शन था उनकी ग्रैंड मदर के साथ, तो इस वजह से आज उस दिन ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, तो स्पैरोज भी अब उनके रूम में, वरांडा में, पूरी जगह बैठी हुई थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन वो जो स्पैरोज हैं वो चहचा नहीं रही थी, वो चिरप नहीं कर रही थी, बिकॉज ग्रैंड मदर वहाँ पर थी ही नहीं. जो स्पैरोज थी वो भी एक टाइप से बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी. देन वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. हमें जो उनकी फैमिली है उनको भी बहुत बुरा लगा स्पैरोज के लिए, बर्ड्स के लिए, बिकॉज उनकी ग्रैंड मदर ही उन्हें इतना फीड करती थी, उन्हें इतना प्यार करती थी, एंड जो उनकी ऑथर की जो मदर हैं उन्होंने उन बर्ड्स को फीड किया और कुछ ब्रेड फीड किया. शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. तो उनकी मदर ने क्या किया, ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा एंड वो स्पैरोज को दे दिया, स्पैरोज की तरफ फेंक दिया. लेकिन द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने उस ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, उस ब्रेड को खाया भी नहीं, बिकॉज जो स्पैरोज थी उनका उनकी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था. मदर के ब्रेड देने की वजह से उन्हें कोई उसका उन्होंने उस ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया, बिकॉज जो स्पैरोज थी वो ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी. और आज ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो भी बहुत दुखी थी और उन्होंने उस ब्रेड के टुकड़ों को खाया ही नहीं. देन When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और अगले दिन जब grandmother की dead body को वो लेके गए अंतिम संस्कार करने के लिए, तो next morning जो sweeper आया जो साफ करता है, उसने सारे जो breadcrumbs हैं उनको dustbin में डाल दिया. तो यहाँ पर हमारी story end हो चुकी है. बहुत ही heart breaking moment था उनकी grandmother की death हुई, और किस तरह से sparrows को भी इतना दुख feel हो रहा था, वो भी इतने sad थे because of the death of the grandmother. उन्होंने ब्रेड के पीसेस नहीं खाए जो उनकी मदर ने दिए. सो दिस वाज अ वेरी नाइस स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे ऑथर खुशवंत सिंह हैं उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप था, उनकी पर्सनालिटी को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया इस पूरी स्टोरी में. सो दिस वाज अ वेरी वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. हमने पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है, लाइन बाय लाइन हमने रीडिंग करी, एंड इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी. सो ऐसे ही हम इंग्लिश लिटरेचर के हर एक चैप्टर को एक ईजी और इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.